हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। तो दोस्तों, समय हो गया है 1:08 और आज निफ्टी की एक्सपायरी है 14 सितंबर। और आप देख सकते हैं मैंने दो पोजीशन बनाई है। मैंने 20,000 की पुट को शॉर्ट किया 200 क्वांटिटी और 20,150 की कॉल को शॉर्ट किया है 200 क्वांटिटी, यानी कि इन दोनों को मैंने सेल किया है। साथ ही साथ बेनिफिट मार्जिन के लिए 20,350 की कॉल और 19,850 की पुट को मैंने यहाँ पर बाई किया 200-200 क्वांटिटी। और मनी की बात करें तो मेरा यहाँ पर डिप्लाई हुआ है 1,95,000 के करीब, मेरा यहाँ पर पैसा डिप्लाई हुआ है। और रिटर्न की बात करें तो अगर हमारी ट्रेड सही जाती है तो हमें यहाँ पर लगभग 1% का रिटर्न होगा, यानी कि 2,000 का रिटर्न होगा। अगर हमारे अगेंस्ट जाती है तो हमें लॉस होगा 37,900। रिस्क रिवॉर्ड की बात करें 18% का है और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है हमारा 76%, हमारे चांसेस है विनिंग की। ठीक है, तो नीचे ये है कि अवेलेबल मार्जिन मेरे अकाउंट में 19,900 कुछ बचा है, अभी लगा है 1,97,000। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है ये 76% है, विच इज़ ए गुड चांस टू टेक इट दिस ट्रेड। ठीक है, और ब्रेक इवन की बात करें तो 19,990 PE, अगर हमारे PE साइड 9,990 जाती है और अगर 20,160 CE साइड जाती है, अगर इस दोनों पॉइंट पर जाती है, यानी कि 0.5% अगर मार्केट डाउन जाती है या 0.3% अप जाती है और इस पॉइंट पे चली जाती है तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ठीक है, अभी प्रॉफिट की बात करें तो 114 रुपये इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, और वापस आ जाते हैं अपनी ट्रेड में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो 20,000 का पुट है ये 9 रुपये 78 पैसे मैंने शॉर्ट किया था, ये 3 रुपये 50 पैसे पहुँच गया है और इसमें 347 रुपये हमारा यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा है। और 20,150 के जो पुट है और वो हमारा यहाँ पर दिखा रहा है 370 रुपये हमारा भी लॉस दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी मार्केट हमारी चल रही है 20,087 पे। ठीक है, तो अभी 150 पॉइंट, मतलब 50, 60, 70, तो हमारा कॉल साइड में 170 पॉइंट अभी हम दूर हैं। तो ठीक है, 70 पॉइंट को क्या, आज एक्सपायरी है तो, और 1:10 भी हो गया है, तो मार्केट को अब क्या है ना कि ब्रेकआउट देना बहुत मुश्किल हो जाता है इस टाइम पे, क्योंकि अब मार्केट सेटलमेंट की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी है तो ज़्यादा मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन तो मैं नहीं रख रहा हूँ। बाकी अगर देखते हैं, अगर हमारा ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाता है कॉल साइड में, तो हम कॉल साइड को यहाँ पर कट कर देंगे। अब देख सकते हैं, सुबह मैंने एक ट्रेड ली थी बैंक निफ्टी में, मैंने बाई किया था 46,000 को, यहाँ पर हमें 5,000 का प्रॉफिट हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें 1260 क्वांटिटी हमने बाई करी थी 274 रुपये 95 पैसे पर। इसमें 2-3 ट्रेड ली थी मैंने। ठीक है, एक बार 780 ली थी, एक बार 480 ली थी, तो इस तरीके से मैंने टुकड़े टुकड़े में अमाउंट लिया था, एक साथ मैंने नहीं लिया था। तो ओवरऑल एवरेज हमारा प्राइस हो गया 274 रुपये 95 पैसे। ठीक है, 1260 रुपये सेल किया हमने 289 रुपये 33 पैसे पे और हमारा प्रॉफिट इसमें 5,520 रुपये का हमारा ओवरऑल प्रॉफिट बना है। अभी तक का प्रॉफिट की बात करें तो 5,000 है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कुछ ट्रेड में हमें लॉस हुआ। जैसे मैंने टाटा स्टील मैंने यहाँ पर शेयर बाई किए थे, ये भी दिखा देता हूँ मैं, 900 क्वांटिटी मैंने 132 रुपये 95 पैसे पर बाई करी थी। मैंने स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाया था जो कि 0.95 पैसे का था, लगभग 1 रुपये का, तो वो मेरा असल हिट हो गया। तो इसमें 855 रुपये हमारे ये चले गए और 20,250 ये हमारे इसमें, ये मैंने हेजेस के लिए बाई किया था। ठीक है, तो इसमें हमारा जो लॉस है हेज के लिए है 200 क्वांटिटी। सो अभी हमें लगभग 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 150 जो मेरा लॉस हुआ था, 20,250 ये हेजिंग बेनिफिट मार्जिन के लिए लिया था, इसमें मेरा लॉस हुआ है। ठीक है, और 50 रुपये लॉस ये भी हेजिंग बेनिफिट के लिए लिया था। और निफ्टी 280 में मैंने क्या किया था, मैंने अभी यहाँ पर 20,000 की पुट को शॉर्ट किया था और मैंने साथ ही साथ 20,250 की 20,100 की कॉल को शॉर्ट किया। दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है, 200 क्वांटिटी। तो ये क्या हो रहा था कि मार्केट यहाँ पर अभी हमारा देखिए, मार्केट हमारा जा रहा है 20,091 और मैंने शॉर्ट किया था यहाँ पर इसको 20,100 को। तो ठीक है, तो हमारा ब्रेक इवन पर जा रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों मैं अपना एसएल दूँ, इससे अच्छा है कि जो मुझे बेनिफिट मिल रहा है वो मैं बुक लेता हूँ। और मैंने इसको बुक कर लिया था 11.80 रुपये पर, अभी देखिए ट्रेड चला गया है 16 रुपये के आसपास में। तो ठीक है, यही थोड़ा सा लॉजिक लगाया मैंने कि मैं 3 रुपये एसएल देने से अच्छा है कि 2-3 रुपया बेनिफिट में बुक कर लूँ, तो मैंने अब 280 रुपये में बुक कर लिया था। फिलहाल अभी हमारा ओवरऑल प्रॉफिट देख रहे हैं आप लोग कि पी साइड में हमें 700 रुपये बन रहा है, जबकि हमें 250 की कॉल साइड में 400 रुपये के आसपास का नुकसान दे रहा है। और हम एक बार अपना जरा पे ऑफ ग्राफ में आ जाते हैं, देखते हैं सभी यहाँ पे अभी फिलहाल। ठीक है, तो पेग्राफ ठीक है, अभी हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 76% दिखा रहा है, तो विच इज़ अ गुड। बाकी आपको आखिरी में अपडेट देता हूँ ट्रेड की, कि क्या हमारी ट्रेड रहती है, किस हिसाब से ट्रेड बनती है। सो बने रहिएगा। वेलकम बैक गाइस, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो 20,150 की मैंने इसमें एसएल लगा दिया अपना। ठीक है, एसएल मेरा स्ट्रिक्टली है 8 रुपये पे ट्रिगर हो जाएगा और 8 रुपये 50 पैसे पे मेरा एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है कि देखिए यहाँ पे मार्केट है, बैंक निफ्टी भी हमारा यहाँ पे बुलिश में आ गया है और निफ्टी 50 भी हमारा बुलिश में आ गया है और निफ्टी 100 भी हमारा बुलिश में आ गया। ठीक है, सेंसेक्स भी बुलिश में है एक तरीके से, फिर निफ्टी भी ब्रेक इवन पे है और ये भी हमारा बुलिश में आ ही जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो इससे क्या है, चांसेस जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है कि जो हमारा 20,000 अभी हमारा जो निफ्टी 50 है वो हमारा 20,088-90 के आसपास चल रहा है और मुझे लग रहा है कि जल्दी ये ब्रेक कर देगा और अच्छी खासी पोजीशन में ये क्लोजिंग देगा, जिस वजह से जो प्रीमियम है मेरा 20,150 की जो कॉल साइड मैंने यहाँ पे शॉर्ट करी है, इस ट्रेड को थोड़ा सा रिस्क हो गया। हालांकि मेरा जो पे ऑफ
चार्ट है, मेरा पी एफ चार्ट मुझे कोई रिस्क नहीं दिखा रहा है। अभी रिटर्न की बात करें तो 0.16% का रिटर्न दिखा रहा है अभी तक मेरे कैपिटल में। कैपिटल आपको बता दिया 197,000 हमारा यूज़ हुआ है, और प्रोबेबिलिटी भी मैंने आपको बता दी 76% है, अभी भी 76% बना हुआ है, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड 18 का है, हमें अगर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो 2,000 का होगा, और मैक्सिमम लॉस होगा तो 37,938,000 का लॉस होगा, जो कि हम होने नहीं देंगे, ठीक है। हम अपनी स्ट्रेटजी एसएल लेके मार्केट से निकल जाएंगे, क्योंकि हमने क्या किया है कि आज हमने यहाँ पर 5,000 का प्रॉफिट लिया है, और मैं इस प्रॉफिट को मार्केट में देके जाने का बिल्कुल मूड नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो बड़ा प्रॉफिट है मेरा वो बैंक निफ्टी से मैंने बनाया है 5,500 रुपये का, तो ये प्रॉफिट मैं घर लेके जाऊँगा। मेरा कोशिश रहेगा कि मैं मार्केट को नहीं देने वाला हूँ, इसलिए मैंने अपने स्टॉप लॉस में बड़ी स्ट्रेटजी लगाए कि मेरी ट्रेड जाती भी है तो चली जाए, विच इज़ फाइन, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो हाँ, मेरा जो आज अर्निंग है वो लेके ये ट्रेड ना जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर मेक श्योर कर दिया है कि मैंने कॉल साइड में अपना एसएल स्ट्रिक्टली लगा दिया है। और मैंने देखिए, मैंने बाय किया था इसको 4.95 रुपये पे, ठीक है। तो 4.95 मतलब 5 रुपये, 5 से 6, 7, 8, 3 रुपये का एसएल दे रहा हूँ, तो मतलब 600 रुपया मैं मार्केट, और 200 रुपये की क्वान्टिटी होती है, यानी कि 600 रुपया मैं मार्केट को दे रहा हूँ यहाँ पर एसएल के रूप में, अगर मेरा एसएल हिट होता है तो, ठीक है। और अभी हमारा प्रॉफिट बन के आसपास 5,100 के आसपास हो गया है, और हमारी जो पुट साइड है देखिए वो डिके हो गई पूरी, लगभग 3.45 रुपये के आसपास इसका वैल्यूएशन आ गया है, क्योंकि 20,000 की जो पुट है अभी हमारा देखिए निफ्टी 50 20,083 पे चल रहा है, तो ठीक है, इसको 83 पॉइंट नीचे आना होगा मुझे नुकसान देने के लिए। तो अभी टाइम भी 1:30 बज गया है, तो बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे यहाँ पर, क्योंकि सभी बुलिश फॉर्म में आ गए हैं, यहाँ पर सारे इंडेक्स बुलिश में हैं। सो अभी देखते हैं, आपको अभी आगे अपडेट देता हूँ। अभी प्रॉफिट हमारा लगभग पी एफ ग्राफ में एक बार देख लेते हैं हम लोग, प्रॉफिट हमारा 342 रुपये है, क्योंकि देखो क्या होता है, जो सेंसिबल है ना, ये सेंसिबल में थोड़ा सा डिले अपडेट देता है आपको, ठीक है। तो चूँकि काइट में क्या होता है कि सेकंड टू सेकंड हमें अपडेट मिलता रहता है, बट चूँकि सेंसिबल में भी सेंसिबल फ्री है काइट यूज़र के लिए, तो मैं काइट में जाकर क्या होता है ना कि सेंसिबल में जाकर देख सकता हूँ कि मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है, मेरा मार्जिन कितना है, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती इस चीज़ों की। डायरेक्ट सेंसिबल में चला जाता हूँ मैं ट्रेड बनाने के बाद में, तो वहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ कि सेंसिबल में मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस कितना होने वाला, रिस्क रिवॉर्ड कितना वाला। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो यहाँ पर जो पे ऑफ ग्राफ में क्या देखो, हमें पता चल जाता है कि रेड की तरफ हमारा कहाँ पर हाई है, ग्रीन की तरफ हमारा कहाँ हाई, यानी कि रेड की तरफ मार्केट कहाँ इसे ऊपर नहीं जा सकती, ग्रीन में मार्केट कहाँ इसे नीचे नहीं जा सकती। ग्रीन का मतलब पुट साइड है, और इसमें रेड का मतलब कॉल साइड है, ठीक है। अभी हमारा लगभग 60% कॉल साइड में हमारा मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग अपनी ट्रेड को, अपना एसएल देखिए, मेरा एसएल हिट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर अभी देखते हैं कितने पे हमारा एसएल हिट हुआ है, 8 रुपये हमारा एसएल हिट हुआ है। हमारी जो कॉल है देखो 9 रुपये पे चली गई है, 20,150 की हमारी जो कॉल है वो 9 रुपये पे चली गई, इसलिए हमारा यहाँ पर एसएल हिट हो गया है, विच इज़ गुड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें कॉल देखता हूँ मैंने कितना दिया यहाँ पर, 20,150 की जो कॉल है हमारी, हमें 600 रुपये का नुकसान दिया है, कोई बात नहीं। हमें यहाँ पर आप देखिए पुट साइड में हमें लगभग 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 400 रुपये का प्रॉफिट हमें यहाँ पे ओवरऑल मिला है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखते हैं, और ट्रेड मिलेगी तो मैं री एंट्री ज़रूर करने की कोशिश करूँगा इसके अंदर एक बार फिर से, अगर मुझे री एंट्री मिलती है 20,150, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा था वैसा ही हुआ, मार्केट ने मूवमेंट दिया, क्योंकि सभी इंडेक्स अब सपोर्ट में आ गए हैं, तो मार्केट ने अप डाउन में मूवमेंट दिया है, सो इसलिए मेरा एसएल हिट हुआ है। 8 रुपये पे इस हुआ, अच्छी बात है, क्योंकि 9 रुपया 10 रुपये पे भी ये चला जा रहा है। अभी देखिए हाई इसने कितना लगाया, मैं हाई दिखा देता हूँ आपको, लगभग 10 रुपये का ये हाई लगा के आया है, और ये बहुत कॉमन बात है, क्योंकि दोस्तों क्या है ना, आज एक्सपायरी है, 1:30 बज गया है, तो ये आखिरी में जाते जाते स्पाइक देगा। देखो इसने मेरा एसएल हिट किया और वापस 7 रुपये 70 पैसे 65 रुपये पे आ गया है, तो ये आखिरी होता है कि जब एक्सपायरी जो डे होता है, एक्सपायरी में जो लास्ट के कुछ घंटे होते हैं, जैसे 1:30 बज गया है तो 1.5 से 2.5, तो मतलब एक डेढ़ घंटा जो मुश्किल से हमारे पास बचा है, इसमें क्या होता है ना, जो गामा ब्लास्ट का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें मूवमेंट जो हमारी होती है ना, छोटे छोटे जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं ना, ये स्पाइक दे देते हैं एकदम से, तो जो बायर्स होते हैं ना उनके लिए गामा ब्लास्ट बड़ा फायदेमंद करता है। जैसे 7 रुपये शॉर्ट किया, 10 रुपये मिल गया एकदम से उसको, ठीक है, तो एकदम से उसको 30% का वैल्यूएशन उसको एकदम से अपने मार्जिन पर मिल गया। तो ये इस तरीके से ऑप्शन बायर के लिए 7-8 रुपये के प्रीमियम पर खेलना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसके ऐसे फ्रीक्वेंटली हिट होते रहते हैं। तो इसीलिए फिर भी क्या होता है कि चांसेस फिर भी देखिए ज़्यादा होते हैं प्रोबेबिलिटी के, उसमें 76% हमारा पे ऑफ ग्राफ में हमारा प्रॉफिट दिखा रहा था, चांसेस दिखा रहा था, फिर भी हमारा एसएल हिट हो गया, विच इज़ गुड, कोई बात नहीं, ठीक है। हम यहाँ पे आराम से 5,000 रुपये लेके जा रहे हैं, और आज ये ट्रेड में यही क्लोज कर दूँगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव आपको लगी हो, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आगे कोई ट्रेड बनाता हूँ तो मैं आपको अपडेट जरूर देता हूँ। थैंक यू सो मच।